पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हजीक राम कुरैशी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान के साथ न्याय नहीं किया है। आजम खान बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और समाजवादी पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया, इसीलिए अब आजम खान के मीडिया प्रभारी का जो बयान आया है वो सही है और आजम खान को अब समाजवादी पार्टी छोड़ देनी चाहिए। प्रदेश की जनता उन्हें अपने कंधों पर बिठाएगी। हाजी कराम कुरैशी ने आजम खान को कांग्रेस में आने का न्योता देते हुए कहा कि वो बड़ी पार्टी है, इसमें आजम खान का सम्मान रहेगा। आपको बता दें कि लगभग 2 महीने पहले ही हाजी कराम कुरैशी ने समाजवादी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। देखिए, समाजवादी पार्टी का आखिर होने जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी के जमाने की समाजवादी पार्टी और थी, आज की समाजवादी पार्टी कुछ और है। आज की समाजवादी पार्टी प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी जो हैं उनके मशवरों से चल रही है और प्रोफेसर समाजवादी पार्टी के बिल्कुल मुशीर हो रहे हैं। आजम खान के मीडिया प्रभारी ने जो आरोप लगाए हैं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने आजम खान का साथ नहीं दिया, तो उस दौरान तो आप भी सपा में रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने साथ नहीं दिया। आजम खान साहब का तमाशा देखा है और आजम खान साहब को अब समाजवादी पार्टी को अलविदा कह देना चाहिए। अगर आजम खान इस तरह का कोई कदम उठाते हैं जी पार्टी छोड़ने का जी, तो क्या आप उनका साथ देंगे? हम सबसे पहले तो उन्हें दावत देंगे कांग्रेस में लाने की। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस समुंदर है, कांग्रेस में उनका सम्मान रहेगा, कांग्रेस में उनको बहुत इज्जत मिलेगी। हम कांग्रेस में लाने की दावत देंगे सबसे पहले तो। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आजम खान साहब कितनी बड़ी चुनौती से खेल रहे हैं, कितनी तकलीफें झेल रहे हैं, पूरा परिवार को जेल भेज दिया गया। आजम खान साहब की बीवी बुढ़ापे में जेल में रही, आजम खान साहब के बेटे जेल में रहे, अब आजम खान साहब जेल में हैं। क्या अखिलेश यादव जी, आप तो जेल में आजम खान साहब से मिले थे चुनाव के दौरान? मैं कई बार मिलकर आया हूँ। हाँ, तो क्या बातचीत हुई, क्या इरादे उनके लग रहे हैं और पार्टी को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं चुनाव से पहले मिला था, चुनाव के बाद नहीं मिला हूँ। मेरी अपनी राय यह है कि अब समाजवादी पार्टी को छोड़ देना चाहिए आजम साहब को, और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आजम साहब को अपने कांधे पर बैठाएगी इस फैसले पर। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।